दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर हर वर्ष की तरह इस बार भी अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारत पाक वाघा बॉर्डर पर कैंडल पीस मार्च का आयोजन किया गया। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 66वीं वर्षगांठ है, जो कि दुनिया में अमन और शांति कायम करने के लिए मनाई जाती है। बीएसएफ के उप कमांडेंट अरुण कुमार तथा असिस्टेंट कमांडेंट रन सिंह सहित कई बीएसएफ जवानों और महिलाओं ने इस कैंडल पीस मार्च में हिस्सा लिया। सबने अमन और शांति कायम रखने की शपथ ली। आज विश्व मानव अधिकार दिवस है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो यूनाइटेड नेशंस की है वो 66वीं वर्षगांठ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेशन आज जारी है। आज के दिन ही सार्वभौमिक घोषणा जो यूनाइटेड नेशंस की हुई थी और भारत भी उसमें एक हिस्सा है और हम खासतौर पर हर साल ही बीएसएफ के साथ मिलकर वाघा बॉर्डर के ऊपर ये कैंडल पीस मार्च का आयोजन करते हैं, क्योंकि फोर्सेज के साथ ही अगर हम बात करें तो अगर वायलेशन की ज़्यादा बातें हैं फोर्सेज के साथ ही पूरी दुनिया में उठते हैं। हमारा एक मैसेज जाता है कि फोर्सेज नहीं, वो ड्यूटी हैं और उनका राइट है, जीने का राइट है और ड्यूटी वो अपनी निभाते हैं। इसलिए हम मैसेज देते हैं कि पूरी दुनिया में पीस का मैसेज आए और पूरी दुनिया सबको जीने का अधिकार है और सबको ये उनका कर्तव्य है तो उनका अधिकार भी है। आज 66th वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है और ये सारी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम लेकर मनाया जाता है और हमारी एब्रो जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है हर साल यहाँ पे पीस मार्च करती है वाघा टारी बॉर्डर पर आके, और आज भी उन्होंने कैंडल पीस मार्च किया है और हमारा भी यही कहना है कि पूरे दुनिया में अमन और शांति हो, सब लोग एक अच्छी ज़िंदगी जिए।